घर में यहाँ शीशा लगाने से कई गुना तेज स्पीड से बढ़ता है पैसा, कुछ ही दिन में लखपति बनना तय। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में रखी हर चीज सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। वैसे ही घर में लगे शीशे का भी वास्तुशास्त्र में बहुत महत्व बताया गया है। कहते हैं घर में लगा शीशा अगर सही दिशा में लगाया गया हो तो घर के सदस्यों का भाग कुछ ही दिन में ही चमक जाता है। बता दें वास्तु में शीशे को शक्तिशाली चीज माना गया है। कहते हैं कि शीशा किसी भी चीज को दोगुना करने की क्षमता रखता है, फिर बात चाहे इंसान की हो या पैसे की। ऐसे में शीशा लगाते वक्त अगर वास्तु की कुछ बातों का ध्यान रख लिया जाए तो व्यक्ति के तरक्की के रास्ते खुलते हैं, साथ ही पैसों में इजाफा होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार शीशे को हमेशा घर की पूर्वी और उत्तरी दीवारों पर लगाना चाहिए, दक्षिणी या पश्चिमी दीवारों पर कभी नहीं लगाना चाहिए। कहते हैं दक्षिण या पश्चिम दिशा में शीशा लगाने से अशांति का माहौल रहता है। वास्तु जानकारों का कहना है कि शीशा हमेशा स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप में होना चाहिए, क्योंकि ऐसा शीशा एनर्जी को समान रूप से फैलाता है। ओवल और गोल शीशे अच्छे नहीं माने जाते, इसे घर में लगाने से बचना चाहिए। हालांकि शीशे का साइज कोई भी हो सकता है। मास्टर बेडरूम में शीशा हर घर में होता ही है। इसे आमतौर पर या तो एक दीवार में या किसी कैबिनेट या ड्रेसिंग टेबल पर रखा जाता है। तब शीशे को इस प्रकार रखने का प्रयास करें कि वह बिस्तर के सामने न हो। यदि ऐसा होता है तो उपयोग में न होने पर इसे ढकने के लिए पर्दे या किसी कपड़े का उपयोग करें। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के लॉकर के सामने शीशा लगाना बेहद शुभ होता है, इससे धन में वृद्धि होती है। बता दें कि उत्तर दिशा में शीशा लगाना फलदायी होता है। उत्तर दिशा धन के देवता भगवान कुबेर का केंद्र माना जाता है, इसलिए इस दिशा में शीशा लगाने से घर में धन की कमी नहीं होती। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो अपने कैश बॉक्स के बगल में शीशा लगा सकते हैं। इससे न केवल धन में वृद्धि होगी बल्कि आपका बिजनेस भी तरक्की करेगा।